with all humilities at my command, I must say that all the respected members in this house will always paying their honor, their reverence to the chair. We always regard the chair as a Pope of the Vatican. You could be resembling as the Pope of the Vatican. So, please. So, we आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए. बेकार, बेकार क्यों करते हैं आप लोग? बोलने को दीजिए. मैं क्या कोई गलत कहे तो आराम. So, sir, we never entertain any kind of guards and gumption, even to dishonor the chair. Sir, कल सर जो घटना घटी है, सात हमारे ऑनरेबल मेंबर को निलंबित किया गया और सर निलंबित किया गया सारे सत्र के लिए. ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेसिडेंट बनाए हैं ये सदन में. सर हम क्या कहे, वो क्या कहे, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सारे चीज आपका मीडिया ग्लैन में है, सीसीटीवी फुटेज में सारे चीज है. सर सदन में हम लोग बारीकी से ये मांग करते आए हैं कि दिल्ली राइट पे चर्चा हो, बस और कुछ नहीं. अगर चर्चा आप नहीं चाहते तो अलग बात है, हम चाहते अलग बात है. लेकिन निलंबित की जब सवाल आए उसमें से दो चार बात मैं जरूर कहूंगा. सर एक साथ सात एमपीस को निलंबित किया गया, लेकिन किस आधार पर यह मुझे जानकारी नहीं है. क्योंकि सर अगर रुकिए ना, अगर स्पीकर से कोई पेपर भी अगर छीने. अधीर रंजन जी अपनी बात संक्षिप्त में यार. सर मैंने परमिशन लेकर बोल रहा है सर. सर ये मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज. सात सात एमपीस की सवाल है सर, वो भी हमारे सदन की सबसे अहम सत्र होते हैं बजट सेशन सर. उसमें सात एमपीस को नदारद रहना और वो भी सस्पेंशन सारे सत्र के लिए, ये मुझे बड़ा पेनफुल होता है सर. नहीं आप बोलिए, मगर आप बोलिए, बोलने बात रखिए. सर मेरा कहने का मतलब यह है किस आधार पर सात सात एमपीस को एक साथ निलंबित किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एमपीस थे, सारे ऑपोजिशन पार्टियां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ सात एमपीस को किस विचार से, किस आधार से निलंबित किया गया, यह कोई जानकारी मुझे नहीं है. वो भी सारे सत्र के लिए. सर जेब कटुआ को फांसी के तख्त पे नहीं चढ़ाया जा सकता. अपनी बात प्लीज काइंडली पुट योर सर. अपनी बात सर मैं रूल कर आप अपनी बात रखिए. सर कॉल सेक्टर को रेफर करते सर, एक जेब कटुआ को फांसी की तख्त पे नहीं चढ़ाया जा सकता. सर कॉल सेक्टर को बात करते हैं सर. सर कॉल सेक्टर पेज 345. सर कॉल सेक्टर, अरे रुकिए ना, अरे आप भी तो मेंबर है भाई. सर उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखिए. तो दूसरे और तीन मेंबर बोलने वाले हैं. सर सर साथ साथ एमबी निलंबित हो गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. वो लोग जब विपक्ष में थे क्या करते थे, वीडियो में वो भी है. सारे की सारे सदन वॉश आउट होते थे, वो भी वीडियो में सारे कुछ है, रिकॉर्ड में सारे कुछ है. सर कॉल सेक्टर पेज 345, मेंबर शैल ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिच एवर इज लेस. सर आइदर 5 दिन और 17.5, जो कम है वो दे सकते हैं आप. कॉल सेक्टर कहते सर मैं नहीं. 345 पेज, ऑन ए मेंबर शैल ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन whichever is less, the house may however at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated. Yes. Sir मेरा ही मुद्दा यह है सर, आप यह टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सर बात सच जो है, हमारे विपक्ष के लोगों ने आंदोलन किया था, इसका ट्रिगर क्या है,
जब सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को कहे जा रहा है कि कोरोना वायरस लाए इटली से, तब उन लोग गुस्सा में आ गए। मैं नहीं कर सकते, लेकिन सर ट्रिगर रहा दूसरी जगह। थैंक यू सर, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। चंद्रबंधु अध्याय जी,